अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आयु आई थी हमारे घर ईद पे, तो उसके बाद हम यहाँ पे सारे नमकीन चाय पीने लगे थे, तो एक साथ सारे बैठे थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं अपनी बहन को वीडियो उठाना नहीं दे रही थी, बीच में हाथ ला रही थी कि वीडियो मत लो, बट उसने नहीं माना। आज सुबह से बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मुझे और मेरी फ्रेंड को सॉरी मेरी मुझे और मेरी बहन को जाना था ग्रॉसरी शॉपिंग करने, तो हम दोनों गए थे। तो मैंने सोचा आज मैं भी जाऊंगी इसी बहाने। जैसे हमारा गार्डन आज कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए इतने सारे फ्लावर्स हैं इसमें। उसके बाद हम निकले, फिर हमने गाड़ी का वेट किया और शुक्र खुदा का हमें गाड़ी जल्दी मिल गई और हम वक्त पे पहुँचे और फिर जल्दी वहाँ से वापस भी आए। हो गया, नहीं हमें गाड़ी मिलेगी भी नहीं। ये लो, यहाँ पे हम पहुँच गए थे मेरे फेवरेट स्टोर पे, और जो भी हमें चीज़ें लेनी थी यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ ले लिया। तो यहाँ पे फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं ओट्स लेती हूँ, बट फिर बाद में मेरा मूड चेंज हुआ कि नहीं छोड़ो, अब मैं श्रीनगर से ही लूँगी जब मैं वापस जाऊँगी, तो यहाँ से इतना राशन लेके कौन जाएगा। और यहाँ पे मुझे मेरी एक फ्रेंड भी मिली थी जो कि मेरे साथ पढ़ती थी 11th 12th में। तो उसके बाद हम घर आए और यहाँ पे आई थी आयु की मम्मा, तो आयु तो बहुत खुश थी अपनी मामा को देख के। और यहाँ पे घर वालों ने ये मुर्गी लाई थी कहीं से, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं उसको भगा रही थी। अभी मैं अपने रूम में आई थी, मैं कुछ चीज़ें सेट कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे देखा मेरी शादी का कार्ड। ये देखिए, ये था मेरी शादी का कार्ड। तो इसको अब अगर मैं ओपन करूँगी ना तो बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था बहुत पहले किसी व्लॉग पे, उसने कमेंट किया था कि दी आपकी एज इतनी कम है, क्या कभी आपको किसी ने चिढ़ाने की कोशिश की है या कुछ? ऐसा कभी नहीं हुआ है, खुदा बचाए ऐसा होने से। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ है जब से मेरी शादी हुई है। तो ये सच है, मेरी एज कम है। कुछ लोगों को लगता भी है कि इसकी एज कम है, हम कुछ भी बोल देंगे कुछ बस। लेकिन मेरा मानना है कि इंसान को सब कुछ खुद तक होता है। देखो, जैसा हम बिहेव करेंगे ना दूसरे के सामने, वो हमें वैसा ही ट्रीट करेगा वहाँ से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सामने कोई गैर मर्द आएगा या कुछ, हम जिस तरीके से उससे बात करेंगे ना, वो उसी तरीके से हमें देखेगा वहाँ पर। तो मतलब आपको अपने बात करने का तरीका थोड़ा अलग रखना होगा। मतलब उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इसको कुछ भी बोलेंगे तो ये कुछ भी नहीं बोलेगी। उसको ये लगना चाहिए कि अगर हम कुछ भी ऐसा वैसा बोलेंगे ना तो ये हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए सब कुछ खुद तक होता है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। बस आज तक मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और उसके बाद समर्स हो और हम रेशवारी ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है? तो यहाँ पे हम सारी कज़न्स मिल के गए थे रेशवारी, जो कि एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आके सुकून मिलता है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, कुछ भी, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। Doing it.
ऊपर का रास्ता है, मतलब ऊपर भी हम जा सकते हैं, बट अभी अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश भी हो रही है। बाकी जो हमारी टीम है वो सारी यहाँ से है। अभी आप देख सकते हो बारिश होने लगी। ये सच में इतनी खूबसूरत जगह है ना डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की, मैं बयान नहीं कर सकती। इससे पहले भी मैं एक बार आई हूँ, आप सबने मेरा व्लॉग देखा होगा। कोई एक्सक्यूज मी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा, पीछे जा थोड़ा, मुझे मास्क साथ नहीं है इसलिए मुझे हाथ से छुपाना पड़ रहा था, बट यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है जिसकी वजह से हम उतना इंजॉय नहीं कर पाए जितना हम लोगों ने सोचा था, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। ना ना किस गलती से देखिए, मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे पानी कितना तेजी से आ रहा है और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बहन बोल रही हूँ मुझे यहाँ पे फोटोग्राफ ले लो, मैं इसको ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे पानी में गिर जाओगी।